नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिवराज आपके लिए फिर से पांच जानकारी लेकर आई हूँ। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एनिमल स्पेशल लाई हूँ, यानी कि पांच जानकारियाँ सिर्फ जानवरों की। पहला, दोस्तों क्या आप जापानी मकड़ी केकड़ा के बारे में जानते हैं? जापानी मकड़ी के केकड़े में किसी भी आर्थ्रोपॉड का सबसे बड़ा पैर होता है, जो पंजे से पंजे तक 3.7 मीटर तक पहुंचता है। शरीर कार्पेस चौड़ाई में 40 सेंटीमीटर के आकार तक बढ़ सकता है और पूरे केकड़े का वजन 19 किलोग्राम तक हो सकता है। सभी जीवित आर्थ्रोपॉड के बीच केवल अमेरिकी लॉबस्टर के लिए दूसरा द्रव्यमान प्रजातियाँ नर के पास चेलीपेड होते हैं। महिलाओं के पास बहुत छोटे चेलीपेड होते हैं, जो पैरों के निम्नलिखित जोड़ी से छोटे होते हैं। अपने उत्कृष्ट आकार के अलावा जापानी मकड़ी का केकड़ा अन्य केकड़ों से कई मायनों में भिन्न होता है। नर के पहले फुसफुस असामान्य रूप से मुड़ जाते हैं और इसके लार्वा आदिम दिखाई देते हैं। केकड़ा नारंगी रंग का होता है, जिसके पैरों पर सफेद धब्बे होते हैं। यह अपने क्रूर रूप के बावजूद एक सौम्य स्वभाव का है। इस प्रजाति का जापानी नाम टका अशी गनी है, जिसका शब्द है लंबे पैरों वाला केकड़ा। जापानी मकड़ी केकड़ा ज्यादातर जापानी द्वीप के दक्षिणी तटों पर पाए जाते हैं। वयस्क 50 से 600 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं। वे समुद्र के गहरे हिस्सों में छिद्रों में रहना पसंद करते हैं। दूसरा, दोस्तों क्या आप पांडा चींटी के बारे में जानते हैं? हालांकि यह एक पंखहीन ततैया है, इसे यूस्पिनोलिया मिलिटेरिस भी कहा जाता है। यह प्रजाति 1938 में खोजी गई थी और चिली के स्क्लेरोफिस जंगलों में निवास करती है। इसके रंग के कारण इसे पांडा चींटी कहा गया है। आंखों को छोड़कर उसके पूरे सिर को सफेद कोट से ढका हुआ है और उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर काले और सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। यह रंग अपोसेमेटिक है, जो इसके दर्दनाक और शक्तिशाली डंक के शिकारियों को चेतावनी के रूप में कार्य करता है। मादा पंखहीन होते हैं और नर के पंख होते हैं। इनकी लंबाई 8 मिलीमीटर तक होती है। मादा परजीवी में अंडे देती है और लार्वा परजीवी के भीतर बढ़ते हैं और इस प्रकार वे अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। जीवित रहने की संभावना सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया होती है। वे बाद में मेजबान के ऊतकों पर भोजन करते हैं और अंततः उसे मार देते हैं। परिपक्व ततैया विशेष रूप से अमृत और पराग पर फीड करती है। इसका डंक दर्दनाक है और इसे मामूली एलर्जी हो सकती है। यह मखमली चींटियां 0.3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने के लिए जानी जाती है। यह गति उनके शरीर में कुछ मांसपेशियों के कारण होती है। तीसरा, दोस्तों क्या आप सन बियर्स के बारे में जानते हैं? इस अनोखे भालू की जीभ असामान्य रूप से लंबी होती है, जिसका उपयोग शहद और कीड़ों को खाने के लिए किया जाता है। जीभ औसतन 8 से 9 इंच मापी जाती है। विशेष रूप से प्रभावशाली होती है जब हम मानते हैं कि औसत मानव जीभ उस लंबाई से आधे से भी कम है। और सबसे लंबी कुत्ते की जीभ का विश्व रिकॉर्ड केवल 4.5 इंच है। सूर्य भालू दीमक भृंग और मधुमक्खी के लार्वा और कुछ प्रकार के फलों को निकालने के लिए अपनी उल्लेखनीय लंबी जीभ का उपयोग करते हैं। अवसर मिलने पर वे कभी कभी पक्षियों, सरीसृपों और छोटे स्तनधारियों जैसे कशेरुकियों को भी खाते हैं। इन भालुओं को शहद और छत्ते की अत्यधिक भूख होती है और वे इसे पाने के लिए दृढ़ लकड़ी के पैरों को खोलने के लिए आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली जबड़ों का उपयोग करते हैं। उनकी जीभ के अलावा सूर्य भालू को उनकी छाती पर बड़े सफेद अर्धचंद्राकार आकार, उनके आवक मोड़ और अन्य भालुओं के सापेक्ष उनके छोटे आकार से पहचाना जा सकता है। वयस्कों का वजन केवल 175 पाउंड होता है। आप दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में सूर्य भालू पा सकते हैं। हालांकि वनों की कटाई, अवैध शिकार और एशिया में भालू पित्ते की चौंकाने वाली मांग के कारण उनकी आबादी तेजी से घट रही है। चौथा, दोस्तों
क्या आप स्किपर तितली के बारे में जानते हैं? वे दौड़ में घोड़े को भी हरा सकते हैं और बर्फीले तूफान से भी बच सकते हैं। स्किपर प्राकृतिक स्प्रिंटर्स है। वे प्रति घंटे 37 मील तक की गति तक पहुंच सकते हैं और प्रकृति के खुद सबसे तेज प्रतिबिंब है। वे एक दौड़ में घोड़े के साथ तालमेल बिठा सकते हैं और उन्हें उनका नाम उनके त्वरित उड़ान पैटर्न से मिलता है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया में हर जगह स्किपर की लगभग 4000 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में पाया है कि जब स्किपर चौंक जाते हैं तो वे एक इंसान की तुलना में दोगुनी प्रतिक्रिया करते हैं और कुछ 10,000 फीट तक जितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। पांचवा, दोस्तों क्या आप जानते हैं ड्रैगनफ्लाई 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, जो इसे ग्रह पर सबसे तेज कीट बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि ड्रैगनफ्लाई के पंख अपने जीवन काल के लगभग 3 से 4 सप्ताह तक ही होते हैं। एक कीट होने के नाते जो 60 मील प्रति घंटे उड़ सकता है और हर समय 360 डिग्री देखने में सक्षम होने के कारण ड्रैगनफ्लाई को पकड़ने के लिए आसपास शिकारी कम होते हैं। कीड़े ग्रह पर सबसे विविध पशु समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें वर्णित 10 लाख प्रजातियां और अनुमानित 50 लाख मौजूदा प्रजातियां शामिल हैं। यह नीले, हरे, पीले और लाल सहित विभिन्न रंगों में आती है। वे विभिन्न आकारों में भी आते हैं, जिसे कि कुछ आधा इंच लंबे होते हैं और अन्य 5 इंच से अधिक लंबे होते हैं। लेकिन जीवाश्म ड्रैगन फ्लाई 2 फीट तक के पंखों के साथ पाए गए हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।